दिल्ली के किंग्सवे कैंप में मौजूद महर्षि वाल्मीकि संक्रामक हॉस्पिटल में पिछले 14 दिनों में 12 बच्चों की मौत हुई है। सभी 12 बच्चों की मौत डिप्थीरिया की वजह से हुई है, जिन्हें बचपन में डिप्थीरिया का वैक्सीन नहीं दिया गया। इन सभी बच्चों में एक दिल्ली का है और बाकी दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, जो अलग अलग राज्यों से रेफर होकर दिल्ली के इस अस्पताल में इलाज करवाने आए थे। उत्तरी भारत के सबसे बड़े संक्रामक रोगों के अस्पताल में डिप्थीरिया वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। फिलहाल सभी बच्चों की मौत की असली वजह जांच का विषय बनी हुई है। इस वक्त 300 डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चे यहां भर्ती हैं। वहीं कुछ तीमारदारों का आरोप है कि सही इलाज न होने के कारण यहां मौतें हो रही हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को दूसरे अस्पतालों के लिए लेकर जा रहे हैं।